हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर नंबर सेकंड देखते चलो। सेप्स एंड एंगल हमारे चैप्टर का नाम है। बच्चों, पहले तो हम समझ लेते हैं शेप किसे कहते हैं एंड एंगल हम किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी पेंसिल या स्केल की मदद से किसी भी टाइप का एक फिगर ड्रॉ करें जो क्लोज्ड हो, ठीक है, यानी कि उसके सारे सिरे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे फिगर ड्रॉ की गई है जो क्लोज्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शेप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। एंगल किसे कहते हैं, तो जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है, एक ऐसे, चलो सेकंड ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या तो अटैच हो रही है यहाँ से, तो यहाँ पे ये लाइन और नीचे वाली ये लाइन, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो बना उसे हम कहते हैं एंगल, जो अलग अलग होते, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो ज़ीरो से लेके 180 तक, ठीक है। अगर इसके साथ मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन बहुत ही इसके क्लोज ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे मेरा एंगल कितना आएगा, बहुत ही लेस आएगा, 5 to 10 degree। आपको याद रखना है जब एकदम स्ट्रेट लाइन हो इससे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल ये होगा 90 degree का, कितना, 90 degree। अगर ये पूरा यहाँ से स्लिप करवा दूँ बिल्कुल इसके अपोजिट साइड, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, तो 90 प्लस यहाँ पे 90 यानी कि 180 degree का। ये आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर, दे लव डूइंग द सेम थिंग। वन डे When they were making soap with the matchstick, Shaila gave them a challenge. ये शैला नाम की लड़की और ये रोहिणी एंड मोहिनी है, ठीक है, जो ट्विन सिस्टर है, दोनों को सेम चीज़ करना अच्छा लगता है। चलो चैलेंज क्या था देखते हैं। रोहिणी, विल यू मेक अ शेप। मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, शैला ने क्या कहा रोहिणी से कि रोहिणी तुम एक शेप बनाओ, मोहिनी सेम ऐसा ही शेप बनाएगी लेकिन विदाउट लुकिंग, बिना देखे, ठीक है, वो सेम शेप बनाएगी बिना देखे, पर क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई क्या करना है, किस टाइप से करना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के कर सकते। तो मोहिनी कहती है, ओ दैट्स सो सिंपल। मोहिनी को लगता है कि ये बहुत सिंपल है। चलो क्या होता है आगे देखते। रोहिणी मेड दिस शेप। मोहिनी, इट इज क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप, ठीक है। मोहिनी ने क्वेश्चन किया, इट इज अ क्लोज्ड शेप और ओपन शेप। तो क्लोज्ड एंड ओपन, इन दोनों में चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, चलो समझ लो ध्यान से। बच्चों, अगर मैं स्केल की मदद से ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, चलो थोड़ा डार्क कर लेते हैं, मैंने अब सेकेंड लाइन ऐसे ड्रॉ की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक
बी इसका एंड पॉइंट, कोई बी ओपन नहीं है, मतलब कहीं पे बाहर नहीं घूम रहा है। यहाँ पे सिक्स साइड है, सभी की बाउंड्री एक दूसरे को अटैच करके ये पूरा क्लोज्ड, कहीं से भी ओपन एरिया नहीं है। तो अगर मैं यही सिक्स साइड्स का यूज करके एक दूसरा शेप बनाऊ, ध्यान से देखो बच्चों, ये फर्स्ट साइड, चलो ये फर्स्ट साइड हुई हमारी, ये सेकेंड साइड, ये थर्ड, ये फोर, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी है सिक्स साइड, लेकिन ध्यान से देखो ये वाली साइड का ये पॉइंट एंड पॉइंट ओपन है, यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाली साइड का ये वाला एंड पॉइंट ओपन जा रहा है, यानी कि इस फिगर को हम क्लोज्ड शेप नहीं कह सकते, यानी कि कोई भी एंड पॉइंट हमें बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, चलो इट इज क्लोज्ड एंड ओपन शेप। तो रोहिणी ने क्या कहा, तो देखो ध्यान से बच्चों, ये देखो कोई भी एंड पॉइंट बाहर नहीं है, सभी एक दूसरे के साथ अटैच है। तो रोहिणी ने कहा इट इज अ क्लोज्ड शेप। मोहिनी, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, उसने पूछा कितनी साइड है वहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः साइड हुई। रोहिणी ने आंसर दिया इट हैज सिक्स साइड। मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ने देखो क्लोज्ड फिगर बना दी, कोई भी एंड पॉइंट ओपन नहीं है, यानी कि ये पूरी क्लोज्ड फिगर है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, उसने साइड भी कितनी रखी है, सिक्स, जैसा मोहिनी ने उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, सॉरी रोहिणी ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, उस हिसाब से मोहिनी ने ये शेप बना दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इट इज अ क्लोज्ड शेप, तो यस ये क्लोज्ड शेप है। Does it have six side? Yes, it has six side ही है। But it is not the same as the one made by Rohini. So Mohini tried again. This is what she made. जो पहले shape मिला था वो different था, तो रोहिणी ने क्या किया, फिर से ट्राई की, तो ये शेप बनाया। देखो क्लोज्ड फिगर है, कोई भी एंड पॉइंट ओपन नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स साइड ही है। फिर से शेप बनाया, लेकिन आप ध्यान से देखो ये शेप एंड ये शेप क्या दोनों मैच होते हैं, तो नहीं होते। चलो आगे क्वेश्चन आंसर है, आंसर देते हैं। इट इज द क्लोज शेप विद द सिक्स साइड, यस। Is the same as the one made by Rohini? No, क्या ये same था, तो नहीं, same नहीं है। Is there some way to say in what way the same shapes are different? क्या आप कह सकते हो कि ये जो shape है वो किस type से different है? Mohini tried again but got different shape. Guess and make two more shape Mohini could have made. मोहिनी इज नाउ ट्राइड सॉरी टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्स सेला व्हाट टू डू। मोहिनी ट्राई करते करते थक गई, बाद में उसने सेला को पूछा क्या किया जाए। सेला ने क्या कहा, देखो, इफ यू आस्क द फॉर द एंगल दैट द मैचस्टिक मेक एट द सेम कॉर्नर यू कैन डू इट। सेला ने क्या कहा कि
तुम एक काम करो, उसको एंगल के बारे में पूछो कि एंगल कौन सा रखना है। उसके बाद तुम सेम फिगर या तो सेम शेप बना पाओगे। ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल। चलो तो एंगल के लिए देखते हैं। लुक एट द एंगल मार्केड इन दिस शेप्स, कैन यू सी डिफरेंस? क्या आप डिफरेंस देख सकते हो? अब ये जो रोहिणी ने बनाया था वो एंगल है सारे, और मोहिनी ने जो बनाए थे दोनों फिगर उसके एंगल यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, रोहिणी ने जो बनाए थे उसमें ये चारों एंगल सेम है, और ये अपोजिट जो एंगल है, अपोजिट एंगल्स, वो दोनों भी सेम हो रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मोहिनी के अंदर ये दोनों एंगल बहुत ही छोटे, ये तीनों एंगल सेम एज लाइक है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही बड़ा एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं था, ठीक है। अब मोहिनी ने जो दूसरी फिगर ड्रॉ की थी उसके अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये सभी एंगल कैसे है, इक्वल कैसे है, ठीक है। ये छः के छः एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। इसके अंदर सभी एंगल डिफरेंट हो जाते हैं, दो दो की पैर में दो दो, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे। ये पूरा छोटा सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। इसमें क्या था, तो ये चार चार की पेड़ थी, ये दो और ये दो, ये चारों एंगल सेम थे लेकिन ये दोनों डिफरेंट थे, ठीक है। तो तीनों फिगर्स जो है हमारे पास वो एंगल के हिसाब से डिफरेंस हो रही है। तो जब एंगल सही होगी और साइड्स भी सही होगी तब ही हमें सेम फिगर मिल सकती है। बच्चों अब आगे की थियरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।